हेलो दोस्तों, स्वागत है टीम युवा के साथ। तो आज हम लोग इस संडे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, अंडा का सब्जी है और रोटी है। तो इसका जिसका शुरुआत हम आटा गूंदने से करेंगे। अब आगे देखिए आटा कैसे गूंदते हैं। तो आटा गूंदने के पहले प्रोसेस हम पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद आटा डालेंगे। देख सकते हैं हम आटा डाल दिए हैं। तो आटा गूंदना चालू करते हैं। अब आटा गूंद लिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों आटा गूंद लिए हैं। अब हम लोग आटा गूंदने का प्रोसेस ख़त्म, अब हम लोग सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। आटा गूंदने के बाद अब हम लोग सब्जी की तैयारी में लग जाते हैं। और सबसे पहला काम सब्जी की तैयारी में ये अंडा को छीलना। तो अंडा को छीलते हैं, आप देखते हैं। तो सब्जी बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हमको अंडा छीलना था, तो अंडा छीलने का काम हो गया है। अब आगे के प्रोसेस दिखाते हैं आपको वीडियो। अंडा छीलने के बाद इसमें अब हम हल्का हल्का ये कर देंगे, मतलब छेद कर देंगे, ताकि इसमें जो है अच्छी तरह फ्राई हो सके। सब्जी बनाने के प्रोसेस में अंडा छीलने के बाद, आलू कटिंग और छीलने के बाद, प्याज छीलने और कटिंग के बाद, सब कुछ करने के बाद हम लोग मसाला की मिक्सचर किए हैं, जिसमें दही, हल्दी, मिर्चाय, गरम मसाला, धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट, जो सबके साथ मिला लिए हैं ताकि हम लोग को आसानी हो एक साथ डाल सके। और इसमें अब इतना टेस्ट के लिए नमक भी इतना डाल देते हैं अपने हिसाब से, जितना डाल सकते हैं, जितना हम डाल रहे हैं अभी। और सबको मिक्स कर लेंगे। तो अंडा आलू सब्जी बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है अंडा को फ्राई करना और आलू को फ्राई करना। तो उसके लिए हम सबसे पहले तेल डालेंगे ताकि गर्म हो जाए, और फिर हम अंडा को और आलू को फ्राई कर सकें। तो अंडा डालते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने तेल में आलू और अंडे को फ्राई करने के बाद हम लोगों ने गरम मसाला डाला है, उसके बाद प्याज और मिर्चे, प्याज और मिर्चा की पेस्ट डाला है मसाला के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने मसाला को भून लिया है। मसाला को भूनने के बाद अब हम लोग जो सब मसालों का मिक्स बनाए थे दही के साथ, जैसे कि आपने पिछले बार में देखा था, पीछे देखा था कि मसाला का हम लोगों ने ग्रेवी बनाया था, तो वो हम लोग डाल देंगे। ये ग्रेवी मिक्स है ताकि सब कुछ एक बार में ही चला जाए। इसका वीडियो आपको दिख जाएगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तब आपको दिख गया होगा ये वीडियो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग दही वाला मसाला डालने के बाद अब फिर इस मसाले को भून रहे हैं ताकि एक अच्छा टेक्सचर और ग्रेवी टेस्ट आ सके। ग्रेवी को हल्का भून लेने के बाद जब आपको हल्का सा तेल दिख जाए, तब हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे। अब इस टमाटर को हम लोग तब तक भूनेंगे जब तक ये ग्रेवी में तब्दील ना हो जाए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हल्का सा टमाटर भूनने के बाद अब हम लोग इसमें कच्चा मिर्चा रखेंगे, साबुत ग्रीन चिली, ताकि इसका टेस्ट और इन्हेंस हो सके। अब ग्रेवी के लिए हम लोग इसमें पानी डाल रहे हैं, जितना मिकदार आपको चाहिए उतने ही। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ग्रेवी हल्का गर्म हो गया, उबलने लगा, तो अब हम इसमें आलू डालेंगे ताकि वो भी पक सके। आलू हल्का गल जाने के बाद अब हम लोग इसमें अंडा डालेंगे ताकि उसमें भी थोड़ा मसाला जा सके। अब एट दी एंड जब सब्ज़ी पूरा फुल बन जाने के बाद हम लोग इसमें धनिया पत्ता डाल रहे हैं ताकि इसमें एक अरोमा और खुशबू आ सके। जैसा कि आप देखे थे कि हम लोग आटा गूंदे थे, तो आटा गूंदने के बाद उसको होटल में दे आए थे रोटी बनने के लिए, तो बन के आ गया। अब हम उसको पैकिंग कराते हैं ऑयल में ताकि गर्म रह सके कुछ देर। तो अब हम लोग सलाद पैक कर रहे हैं, अंडा आलू, एक अंडा एक आलू करके, देख सकते हैं आप। आधा डाल, तो आप देख सकते हैं हम लोग मतलब सलाद को निकालने के बाद उसको हम पैक कर रहे हैं। पैक करने के बाद रोटी के साथ पैक करके इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके निकलेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी हमारा यह काफ़िला निकला। क्यों निकला? गरीबों में खाना बांटने। और जैसे हर संडे को हम लोग निकलते ही हैं, अब पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि लगभग हर संडे ही को निकलें। तो इस संडे भी हम लोग निकले हैं खाना बांटने गरीबों को।
इस संडे देखिए हम लोग बड़ा बाजार के एरिया में आए हैं, खाना बांटे क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस बड़ा बाजार के एरिया में अधिकतर लोग फूड पे, फुटपाथ पे बगैर खाए हुए सोए रहते हैं। तो इसी बात पे गौर करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे खाना बांटने का आज का ये प्रोग्राम रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे आगे हमारे दो मेंबर खाना लेके बांटते हुए ढूंढते हुए उन लोगों को जिन लोगों को खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग भूखे सोए हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोग फुटपाथ पे सोए हुए हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, खाना बनाते हैं और अभी रात में अपने अपने घरों से निकलकर खाना बांटने आते हैं। तो आज का हमारा संडे का दिन भर का हमारा टाइम इन्हीं लोगों के लिए निकल जाता है। जैसे कि आप इन लोगों को भी देख पा रहे होंगे, ये लोग उन्हीं लोगों के इंतज़ार में थे जो इन्हें आके कुछ खाने को दें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग इन्हीं लोगों के लिए आज पूरा दिन देते हैं, इन्हीं लोगों को खाना खिलाने के लिए, इन लोगों की भूख को मिटाने के लिए हम लोग आज का पूरा दिन अपना इसमें दे देते हैं। तो ये आज हम लोग का काम ख़त्म होता है यहाँ पे और हम लोग अपने अपने घरों को लौटते हुए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आज हमारे दोस्तों की तादाद कम है क्योंकि कुछ कहीं काम में फंसे हुए हैं, उस वजह से शायद कम दिख रही होगी आपको। लेकिन इतने में भी हम लोगों ने आज अपना पूरा दिन देके खाना बनाया, उसको पैकिंग किया हाइजीनिक तरीके से, उसको फिर ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया। जैसे कि आप पूरी वीडियो में देख ही लिए होंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या और कैसे कैसे किए हैं। तो इतना मेहनत के लिए आपसे बस इतनी सी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और जो कमी आप लोगों को दिख रही हो हम लोगों में उसको कमेंट करके बताएं कि ताकि हम लोग उस कमी को पूरी कर सके, नेक्स्ट वीडियो में उसको निखार सके, उसको बदल सके, उसको समझा सके, उसको संभाल सके। तो यहीं पर मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आज का हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो बाय।